सर सर एक विजुअल लेते ना, यहाँ पे यहाँ पे सोनाक्षी जी मेरे पास में सेंटर में सेंटर में मैम सेंटर सोनाक्षी जी उमा जी यहाँ पे मैम सेंटर मैम थैंक यू यार कौन थैंक यू उमर सोनाक्षी जी उमर और सोनाक्षी जी एक सेकंड सोनाक्षी जी सोना एक्सक्यूज मी फील क्लियर फील क्लियर प्लीज फील क्लियर फील क्लियर जैसे जैसे तीनों का तीनों का तीनों का जैसे जैसे हाँ तीनों 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 अमन एक्सक्यूज मी साइड प्लीज साइड एवरीबडी अम्मी एक्सक्यूज मी मैम बैकग्राउंड क्लियर चलो इधर आ जाओ इधर आ जाओ सोलो सोलो सोनाक्षी जी सोलो एक सेकंड अरे धागे ना जी सोनाक्षी जी यहाँ पे पीछे से क्लियर हो जाओ पीछे से क्लियर पीछे से क्लियर दादा क्लियर यस मैम मैम उमा जी उमा जी उमा जी एक्सक्यूज मी हाँ सॉरी आप आ जाओ ना हाँ यस मैम यहाँ पर मोबाइल जैसे जाना मत जाना मत एक्सक्यूज मैम अरे मैम अरे ओके सोनाक्षी जी तो सबसे पहले बताइए कि कितना ड्रामा हमें आज देखने को मिला क्योंकि हमें अंदर लाने का आप बताइए बहुत ही ड्रामा बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप आई मीन ये लोग किसी लेवल से अब टैलेंट के लेवल से बच्चे नहीं हैं ये हमको सिखा सकते हैं एंड बहुत मज़ा आया सबके सब एक नंबर के ड्रामेबाज हैं एंड वी जस्ट हैड सच अ फन टाइम हैप्पी हैप्पी टाइम वी हैड प्रमोशन तो हो ही रहा है कुछ नर्वसमेंट भी है प्रमोशन के साथ साथ कुछ नहीं खुशी है क्योंकि वातावरण इतना पॉजिटिव रहा है जहाँ पर भी हम गए आप लोग का भी रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है यू नो लोगों का भी रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है तो सब चीज़ें अबाउट दिस फिल्म हैव बीन वेरी पॉजिटिव तो उससे आई थिंक नर्वसनेस भाग जाती है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 24th को रिलीज़ हो रही है फिल्म एंड फाइनली हो जाएगी एंड आप सब हंस पाएंगे जितना हम हंसे हैं शूटिंग के दौरान जी बहुत बिजी है नहीं आज वो नहीं आ पाए इधर बट हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं दैट विल बी आवर लास्ट लेग ऑफ प्रमोशंस एंड पूरी टीम साथ में रहेगी सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है क्या फीडबैक मिला फैमिली मेंबर का दोस्तों का बहुत अच्छा इनफैक्ट जब मैंने पापा को ट्रेलर दिखाई ही लव्ड इट सो मच उन्होंने पूछा उन्हें पता नहीं था कि हैप्पी भाग जाएगी पहले आ चुकी थी तो उन्होंने पूछा कि ये फिल्म किसके बारे में है तो उन्हें समझाना पड़ा फिर उन्होंने पूछा डायरेक्टर कौन है तो वो इतने इम्प्रेस थे मुदस्सर से उन्होंने उन्हें घर बुला लिया एंड ही हैड कॉफ़ी विद हिम एंड हैड अ नाइस डिस्कशन टॉक विद हिम अबाउट द फिल्म तो वो बहुत खुश है ट्रेलर देखकर एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म एज़ वेल मेरे अटायर थैंक यू वेरी मच वेल ये अनामिका खन्ना का आउटफिट है अनामिका खन्ना का आउटफिट है ये एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस इन इट आई थॉट इट वाज एप्ट फॉर द ओकेजन इट हैज लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड राइट फॉर ड्रामेबाज सोनाक्षी आप प्रियंका जल्दी शादी भी करने वाले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं उनको कह दूंगी थैंक यू वेरी मच सी यू थैंक यू सो मच
जी क्या ड्रामा आपकी तरफ से देखने को नहीं नहीं बच्चों बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं यहाँ पे कि उन्होंने मौका नहीं दिया हमें ड्रामा करने का। इतने तेज़ हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। मैं हैरान हूँ कि जब मैं सोच रहा था कि जब मैं घर जाके पूछूंगा कि जब मैं इतना छोटा था क्या मैं ऐसा कुछ करता था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मुझे ये भी लगता है मैं करता हूँ ऐसा कुछ। पर बहुत तेज़ है और सच में बहुत टैलेंटेड। हमने आपको गाना गाते हुए देखा जी, आपने लोगों को अपने गाने के ड्रामे से लोगों को जी बताइए कैसा रहा? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे भी जहाँ पे मौका लगता है यहाँ पे दिखता है कि लोग पंजाबी गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि उनको गाना सुना के जाऊँ। पर मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया था यहाँ पे, हैप्पी फिर भाग जाएगी, जो कि 24 तारीख को रिलीज़ हो रही है। और जी टीवी का बड़ा बड़ा थैंक्स और सारी टीम का बहुत थैंक्स। हैप्पी कहीं दिखाई दी आपको इस? हाँ जी हाँ, हैप्पी आई मेरे साथ थी, पर अभी भाग गई है। मुझे लगता है फिर से ढूंढनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी यहाँ पे भी। जैसे नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम आप जी जी कुछ देखने मिला क्या कुछ? बहुत अच्छा। इससे पहले मैं इंडियन आइडल के सेट पे गया था और अभी यहाँ पे आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि ऐसी इसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब ऐसे शोज़ की, इंडियाज ड्रामेबाज हो गया, क्योंकि फैमिलीज जुड़ी होती हैं। तो आप ऐसे शोज़ पे जाते हो तो लोगों को पता चलता है कि फिल्म आ रही है, और खुशी भी होती है देख के। ख़ास करके जो जैसे पंजाब के लोग देखेंगे तो मेरे लिए अच्छा फील करेंगे, तो मुझे भी अच्छा फील होता है जब मैं ऐसे शोज़ पे जाता हूँ। क्योंकि एक तो आप अपने दिल की बात अपने फिल्म के बारे में बताते हो, दूसरा आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता चलता है कि कितने बड़े बड़े इतने जैसे यहाँ पे आके मुझे पता चला कि कितने छोटे छोटे बच्चों में कितना टैलेंट भरा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा और अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि हाँ और मेहनत करो और अच्छा काम करो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको तो और करना चाहिए। सो जैसे फर्स्ट मूवी जी एक्टिंग बेस पे आप एंटर किए बॉलीवुड जी, कभी मिस भी कर रहे इसके साथ साथ अपनी सिंगिंग को? नहीं, मैं मिस नहीं करता। उसका कारण ये है कि क्योंकि मैं गाना मेरा ऐसे है कि गाना मैं सोऊं जागूं जब मर्जी करूं, वो मेरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा ही करता रहता हूं, तो वो ऐसे मिस नहीं हो रही। पर हाँ, शूटिंग करते भी साथ में गाता रहता हूं। इस फिल्म में भी मैंने एक गाना गाया है, मेरे और सोनाक्षी ने दोनों ने गाया है, तो इसी साथ साथ चलता रहता है। जैसे प्रियंका ने जी, मैं तो उनको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि शादी कर रहे हैं, और अभी तो ये तो शादी का सीजन चल रहा है, और मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट विशेस दे सकता हूँ। रक्षाबंधन के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ कनाडा, मेरी सिस्टर्स कनाडा रहती हैं, और आपको भी यही बोलता हूँ कि अपनी फैमिली सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मिलती है। आज यहाँ पे एक एक्ट भी किया था बच्चों ने पेरेंट्स के लिए, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि पैसे से आप हर एक चीज़ खरीद सकते हो, रिश्ते नहीं खरीद सकते। तो ये रिश्ते भगवान की तरफ से आपको मिले होते हैं, तो उनकी कदर करो। और सिस्टर एक ऐसा रिश्ता है भाई बहन का जो मुझे लगता है सबसे पवित्र और सबसे अच्छा रिश्ता है, जिससे बोलते हैं कि जिसमें एक अलग सा प्यार होता है। झगड़ते भी हो, वो भी करते हो, पर ये एक दिन होता है जब आप पूरे साल में एक दिन अपनी सिस्टर के लिए निकाल सकते हो। तो जो भी लोग अपने घर से दूर रहते हैं अपनी सिस्टर के पास ज़रूर जाएं और रक्षाबंधन पे रक्षा बंधवा के आएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, रेडी रेडी बोलिए, लगा लो रेडी, चलो रोले सबका। सोनाक्षी और जैसी है, क्या कुछ देखने मिला सर? बहुत मज़े आए। सोनाक्षी जैसी दोनों हैप्पी फिर भाग जाएगी प्रमोट करने आए थे, मज़ेदार फिल्म है, मुझे खुद ट्रेलर बहुत पसंद है, तो उनके साथ बहुत और मज़ा आया फिल्म को प्रमोट करते वक्त। एंड आई थिंक यू नो, वो दोनों बहुत ही कमाल के परफॉर्मर्स हैं, सिंगर्स हैं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स हैं। सो आई तो हैड अ फुल ब्लास्ट, एंड खूब बच्चों ने भी हरकतें की, हंसाया, मिमिक्री की, शक्लें बनाई, तो हम लोग सब उनके साथ बच्चे बन गए। और आपकी तरफ से हमें क्या ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि अंदर का जो सेगमेंट हमें शूट करने को इससे फाइट है? करेक्ट, आप देखिएगा, सेगमेंट बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब हमने भी लाइक आई सेड ना, कि बच्चों के साथ आप भी बच्चा बन जाते हैं, तो मैं भी शक्लें बना रही थी और डांस कर रही थी और सब कुछ कर रही थी, सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन, आई सॉ हैप्पी भाग जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई थिंक बहुत अच्छे से लिखी गई है,
और बहुत अच्छे से परफॉर्म्ड है, बहुत वेल डायरेक्टेड है. आई थिंक बहुत रेयरली कोई फिल्म आती है जो बहुत ही फ़नी होती है, बहुत एंटरटेनिंग होती है, एंड द सेम टाइम यू नो उसको उर्दू को इतने अच्छे तरीके से उसका यूज़ किया जाता है. सो आई रियली इन्जॉयड यू नो हैप्पी भाग जाएगी फॉर द लैंग्वेज एंड फॉर द ह्यूमर एंड ऑफ कोर्स ऑल द एक्टर्स. आई थॉट एवरीवन वाज सो गुड. माय फेवरेट ऑफ कोर्स इज जिमी शेरगिल. आई थिंक ही इज ब्रिलियंट एंड आई थिंक फ्रॉम द ट्रेलर्स ऑल्सो इट्स लुकिंग लाइक ही इज गोइंग टू बी वेरी गुड. आई मीन सभी अच्छे हैं बट आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वेरी गुड. I just want to wish her all the best and congratulations to her and Nick and I think happy married life. वो तो मेरे भाई से पूछिए ना, वो मुझे क्या गिफ्ट देने वाला है, उनको देना चाहिए मेरे को. मुझसे मैं तो करना चाहती हूँ बट मुझे मना कर दिया जाता है कि ऐसे ये दिल का रिश्ता होता है तो मैं डिमांड नहीं करना चाहिए, तो मैं फिर चुप हो जाती हूँ. तो इस बार प्रेशर है मेरे भाई के ऊपर कि क्या देगा मुझे इस बारी वो. हाँ, राखियाँ खरीदने वो चैताली है यहाँ पे, वो खरीद के लाएगी मेरे लिए. माय मैरिज है सो आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क हर दैट क्वेश्चन. बट आई थिंक राखी इज सो ब्यूटीफुल. आई थिंक भाइयों को भी बहनों को बांधनी चाहिए. मैं तो मतलब खैर भाइयों को बांधती हूँ बट आई थिंक इस साल वो मुझे बांधेगा. या आई थिंक भाइयों को भी बहनों को बांधनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन वे प्रोटेक्शन. आई थिंक बहनें भी अपने भाइयों को बहुत प्रोटेक्ट करती हैं अपने तरीके से, चाहे फिजिकली ना हो बट इमोशनली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो. सो आई थिंक एक दूसरे को राखी बांधना है कि प्रथा शुरू होनी चाहिए मेरे हिसाब से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू भाई. शॉट्स यहाँ पे उमा जी, यहाँ पे मोमेंट इधर सेंटर राइट. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Take care. Come on, 1 minute.